बिजनौर के क्षेत्र में पुलिस फोर्स ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। बिजनौर के शिवहारा में पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में शांति बनी रहे। इस बीच पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया ताकि शरारती तत्व गुंडा तत्वों में खौफ बरकरार रहे एवं आम नागरिक को सुरक्षा का एहसास बना रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिजनौर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी थाना क्षेत्रों में सीआरपीएफ के जवानों के साथ एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इस क्रम में आज एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में शिवहारा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मतदाताओं को जागरूक करने एवं गुंडा तत्वों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से यह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक बीत सके। जैसा आप लोगों को विदित है, विधानसभा चुनाव क्योंकि होने हैं और जनपद बिजनौर में दूसरे चरण में है, एक चुनाव के लिए निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। जनपद बिजनौर को भी 2 CPMF की कंपनी उपलब्ध कराई गई हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष रूप से ये विश्वास पैदा करने के लिए लोगों में कि निष्पक्ष रूप से अपने मतदान का प्रयोग करें और अगर कोई बात कहीं भी किसी लेवल पे है तो तत्काल स्थानीय थाना प्रभारी को बताएं। इसके साथ साथ क्योंकि आचार संहिता भी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था उसी दिन से लगी हुई है, उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इस अभियान के माध्यम से भी अगर कहीं उल्लंघन पाया जाएगा अब आचार संहिता का तो संबंधित के विरुद्ध जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।